यहाँ से टूट के गिर गया। तो ये पता नहीं क्या, मैंने टेप दूसरी भी लगाई थी तो फिर भी ये टूटी जा रहा है, समझ नहीं आ रही क्यों। ये देखे मैंने ये टेप भी लगाई तो फिर भी ये नहीं टिका यहाँ पे। कभी और करते हैं एल्फी वगैरह लगाते हैं इस पे, कोई और करते हैं और एल्फी वगैरह लगाते हैं, ये तो नहीं टिकेगा यहाँ पे। ये देखे यहाँ से भी उखड़ गया, नहीं आई क्यों, थी भी साजू की पड़ी है लेकिन ये उतर गया। मैंने क्या वजह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है, ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मुझे त्यार श्यार होता देख आप हैरान हो गए होंगे कि कहाँ जाने लगा। तो मैं जाने लगा हूँ हमारे गांव के एक अजीज की शादी है, उनकी शादी पे जाने लगा हूँ। तो अभी मैंने वैसे मैं तैयार हो चुका था, तो नवी भाई ने बास्केट वगैरह पहनी हुई है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी बास्केट वगैरह पहन लूँ। तो मैं भी अपनी बास्केट वगैरह निकालने लगा हूँ, तो यहाँ पे पड़ी अभी सारी मिक्स है, तो पहले मैं निकाल के फिर पहनता। तो जी बास्केट वगैरह अभी मैंने पहन ली है, तो अभी चलते हैं जी बाहर। नवी भाई खड़े इंतजार कर रहे हैं मेरा, तो आपको भी दिखाते हैं यहाँ पे, पता नहीं आपको नजर आ रहे कि नहीं आ रहे, तो इंतजार कर रहे हैं। तो अभी मैं लाइट वगैरह बंद कर लूँ कमरे की। तो ये नवी भाई खड़े हैं, नवी भाई क्या हाल चाल है, बड़े रेडी शेडी होके आए हैं, ये देख रहे हैं, चले आ जाओ बैठ। गाड़ी स्टार्ट ही करी थी। क्या कह रहे हो? ठीक है चलो। अनवीर भाई की नवीं दादी सुनाओ जी। सब ठीक ठाक, लग जरा सब ठीक ठाक। आज कितनों तैयारी वाली भी आ रही, नहीं आज उर्दू में बात करते हैं वैसे नवीर भाई के साथ। आज मेरी उर्दू को बहुत कमजोर है। नहीं मेरी बढ़िया से, मैं भी गुलाबी उर्दू बोलता रहता हूँ, कोई नहीं बोलते रहो। तो मैं आपके कैमरा फोकस है ये मेरा, नहीं आप दोनों पे रखो ना, आपको भी लोग देखना चाहते हैं, आपके भी फैन फॉलोइंग है थोड़ी सी। देखो ना आप, हर ब्लॉग में कोई ना कोई एक बंदा होता है जिसकी फैन फॉलोइंग होती है, तो इसमें आप आया करें, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। इधर से हो जाता है। ये मेरे जी बड़े कजन है, भाई भी लगते हैं और कजन भी है। तो ये राणा नवीद साहब है, काफी ये शाये से आदमी है और ये बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए कैमरे के सामने आ नहीं रहे, तो ऐसा ऐसा करके आते रहेंगे, कोई नहीं है। आज फर्स्ट इन्हें आपने पहले भी एक ईद वाले ब्लॉग में शायद देखा हो, तो उसके बाद ये नहीं आए ब्लॉग में। व्यूअर्स को बताओ भाई कहाँ जा रहे हैं आप इतने रेडी हो। हाँ मैंने बताया नहीं कि हम शादी पे जा रहे हैं, तो हमारे गाँव के किसी अजीज की बेटी की शादी है, तो उनकी बेटी की शादी पे जा रहे हैं। तो बुलाया था अबू को था, तो अबू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सा नजर जुकाम है, तो उनकी जगह मैं जा रहा हूँ। और ये नवीद भाई हैं, तो ये भी अपने अबू की जगह जा रहे हैं, तो ये बजा नहीं बता रहे बजा तो बताओ भाई, मैं मुझसे नहीं बोला जा रहा कैमरे के सामने। चलो कोई नहीं, ऐसा ऐसा ना इंशाल्लाह आप हो जाओगे, आप ब्लॉग में आया करो ना मेरे साथ, ठीक हो गया ठीक है ना। तो यहाँ पे काफी ज्यादा मार्केट बन गई है, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे दुकानें वगैरह है। अभी जी हम आ गए हैं मैरिज हॉल के अंदर, तो अभी कोई बंदा भी नहीं आया हुआ, नवी भाई भी साथ है, क्या कहते हैं हम वैसे लेट आए हैं यहाँ पे, तो टाइम के पाबंद भी हैं, वैसे टाइम भी आए हैं, जो टाइम हमें बताया था उसी टाइम पे आए हैं। अभी फिलहाल कोई नहीं आया, अभी वेट करते हैं बैठ के कितनी देर लगेगी। अभी 12 बजे का कहा था, तो फिर हम 1 बजे का कहा, हम 1 बजे आ गए। मैंने आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद, आपने हमने बचपन में एक काम था जो मैंने कहा था कि आपने भूल जाना है, और आपने कहा था कि तूने भूल जाना, तो हम दोनों भूले नहीं, तो मुझे अभी भी याद है। आपने बताना है वो कौन सी चीज़ थी जो अच्छा थोड़ी सी हिंट देता हूँ कि हमारा लगी थी एक शर्त लगी थी, कह दो कब की बात है, बचपन की बात है, हम पुराने मकान में जब रहते थे छोटे मकान, याद नहीं आ रही। मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी, तो उसके बदले में मैंने आपको 1 रुपया के 2 रुपये देने थे अगर आप जवाब दे देते, तो आपने जवाब दिया था, तो फिर आपने ये कहा था कि ये भूलना नहीं है पूरी जिंदगी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे, मैं अभी जेन काम कर रहा है, मुझे जाने वाला सवाल पूछ लिया मुझे क्या पता चलेगा। तो ये बचपन में मेरे साथ रहते रहे, बचपन से हम साथी हैं एक दूसरे के, अभी ये नहीं याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा याद कर तू नहीं गल दे आई गल हुई सी कुछ दस दे दस दे मैं ना कागज बच्चे एक चीज सी मैं लैके आया खाने वाली शायद सी कागज पेट के मैं लै गया बुझ की पके अज
तू मेनू शायद थी आ बकी है दस तेन याद है दस ऐसा था कि मैं चावल लेके आया था अपने कागज में लपेट के तो मैंने आपको पूछा कि आज घर में क्या पका है चावल पका तो आपने कहा चावल पका है तो वो चीज बात थी कि जो आप भूल गए भूल गए वाकई तो आज नवी भाई भूल गए हैं और कौन सी ऐसी बात थी बचपन की यादें तो बहुत है यार क्या याद करें कोई एक याद एक ऐसा था कि स्कूल में हम पढ़ते थे तो मैं अभी दाखिल नहीं हुआ था नर्सरी प्राइम में था मेरा ख्याल तो ये नर्सरी में एक प्राइम में थे तो मैं स्कूल से निकल जाया करता था भाग के ना घर चला जाया करता था तो मैं घर गया तो इनके अबू ना गांव से ये हमारे पास रहता था तो इनके अबू गांव से आए हैं हमारे घर तो मैंने देखा मैं वापस से स्कूल चला गया हूँ तो मैंने नवी भाई को कहा कि आपके अबू आए तो आप आ जाओ वो बुला रहे हैं नवी भाई कहा अच्छा ठीक है तो इन्होंने बस्ता उठाया मेरे साथ ये भी भाग गए हैं तो घर चले गए गाँव चले गए हफ्ते बाद जब जो मंडे को क्लासेस लगती हैं तब आए पर्दा भी रहने दो लंबी कहानी स्टोरी सुना रहे हो तो जो मैम ने इनका हाल किया था बड़े थप्पड़ पड़े थे मेरी वजह से तो नवी भाई अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं मैं फील कर रहा हूं चाचू जी भी आ गए और बाकी मेहमान भी आ गए चाचू जी क्या हाल चाल ठीक ठाक जी लाला जी ठीक ठाक है तुसी ये किथे लाउणी है जी लाला ये यूट्यूब ते लगनी है जी ओ साडे जा तो ये चाचू जी हमारे यूट्यूब ते लाई जा तो मुती भाई भी आ गए हैं और अरीबुल्ला भी साथ बैठा है पास तो अरीब हाई कर दे क्या हाल चाल ठीक ठाक मोबाइल में बिजी हो क्यों तो चाचू हंस रहे हैं कि ये क्या करी जा रहे बेटे यहाँ पे तो यहाँ पे मजाक कुछ ज्यादा ही हो रहा था मैं बंद कर देना अगर आप शादी पे आए और आपने ये हाल नहीं किया तो आप शादी पे आए क्यों ये बनाओ तो अभी जी खाना पीना खा के फर्क हो गया अभी मैं बहुत पी रहा हूँ तो अभी जी खाना वगैरह खा के हम वापस जाने लगे हैं तो गाड़ी में बैठ गए खाना कैसा लगा बहुत बेहतरीन माशाल्लाह बेहतरीन था बेहतरीन था नवी भाई ने काफी ज्यादा खा लिया कस्टर्ड वगैरह कस्टर्ड बहुत ज्यादा खाया नवी भाई तो चले अभी घर चलते हैं शादी से जी वापस आ गए हैं तो अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज कर दूंगा अपने तो जी कपड़े वगैरह चेंज हो गए हैं तो ये मैंने आपको दिखाना था कि ये फिर टूट गया तो मैंने पहले जोड़ा भी था तो दोबारा फिर उतर गया तो अब इसका परमानेंट हल है जो वो करना पड़ेगा तो अभी जी हम आ गए हैं नहर पे पानी भरने के लिए तो ये कहन यहाँ पे कहन पड़ी हमारी तो काफी ज्यादा प्यारा मौसम हुआ ठंड ठंड हुई है तो नवीब भाई जलवा दे नवीब भाई निकला पानी भर लो क्यों मेरी शामिल आप नहीं करना था ना ब्लॉग अपने आप को दिखाओ ना आपको आ रहे हो ना हा? आप आ रहे हो मैं तो आ रहा हूँ आपको लाइट लेके आया आज ऐसे जी यहाँ पे पानी भरते हैं नलकों से दूसरी मोटर वगैरह भी लगी है मुझे यहाँ से भरने का मजा आता है और ये पानी मुझे अच्छा भी लगता है दूसरा अच्छा नहीं लगता मुझे तो एक्सरसाइज भी हो जाती है तो जी कैन पड़ गई अभी तो ये जी हमारा बाइक है हम साथ लेके आए अपना बाइक तो ये अबू जी का मोटरसाइकिल है जिसकी शामत थी हुई है मैं अपनी बाइक पे तो नहीं लेके आता कैन तो इस बाइक पे लेके आता हूँ आज जी हाँ जी तो कैसा लगा जी आज का व्लॉग उम्मीद है आपको आज वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब कराएं प्लीज सपोर्ट करें और आज वाली वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें तब तक इतना ही अल्लाह हाफिज़।